आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एरे इन सी लैंग्वेज। अब एरे क्या है? एरे है डिराइव्ड डेटा टाइप, यानी कि ऐसा डेटा टाइप जो बाकी के डेटा टाइप से डिराइव किया गया है। अब ये देखते हैं कि हमें एरे क्यों क्रिएट करना है। कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं करता। जैसे कि अगर हम लिखते हैं इंट एक्स, तो यहाँ वेरिएबल एक्स के लिए मेमोरी एलोकेट होगा। अब इस वेरिएबल एक्स में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर होगा, जैसे कि एक्स इज इक्वल टू 10। अब क्योंकि यहाँ वेरिएबल के लिए एक ही मेमोरी एलोकेट है, तो अगर हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 20, तो ये वैल्यू 20 10 को रिप्लेस करेगा। यानी कि अगर हमें 100 वैल्यू स्टोर करने हैं, तो हमें 100 वेरिएबल्स लिखने होंगे। अगर हम इन 100 वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी कर ले, तो भी इन 100 वेरिएबल्स को ध्यान में रखना और मेंटेन करना डिफिकल्ट है। इसलिए सी प्रोग्रामिंग में एरे इंट्रोड्यूस किया है। तो ये एरे क्या है? एरे है ग्रुप या कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। जो ग्रुप क्रिएट होता है उसका एक ही नाम है, लेकिन वो मल्टीपल मेमोरीज को अलोकेट करता है, जिसका सिंटैक्स है इस तरह से: डेटा टाइप स्पेस ग्रुप का नाम या वेरिएबल नेम कहे या एरे नेम कहे, और स्क्वेयर ब्रैकेट में यानी सबस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं साइज ऑफ एरे, मतलब कि हम कितने वेरिएबल्स इस एरे में स्टोर रखना चाहते हैं। एग्जाम्पल, इंट एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट में 5। यहाँ हमारे एरे वेरिएबल का नाम है एक्स, जो सारे ही इन टाइप के वैल्यू स्टोर करता है, और ये इन टाइप के 5 एलिमेंट्स स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। अब ये एरे डिक्लेरेशन वेरिएबल एक्स का ब्लॉक मेमोरी कुछ इस तरह से क्रिएट करेगा। यहाँ 5 लोकेशंस है, क्योंकि हमारा साइज हमने दिया है 5, और हर लोकेशन को हम कहेंगे एलिमेंट, और किसी एक लोकेशन को एक्सेस करने के लिए हमें यूज करना होगा इंडेक्स। ये एरे वेरिएबल एक्स 5 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता है, और उनका नाम होगा एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 3, एक्स ऑफ 4। यहाँ 0, 1, 2, 3 और 4 ये इंडेक्स नंबर्स है। सी प्रोग्रामिंग में इंडेक्स पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, और एरे वेरिएबल एक्स हमेशा एक्स ऑफ 0, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होल्ड करेगा, जिसे हम कहेंगे बेस एड्रेस ऑफ एरे। बाय डिफॉल्ट एरे के सारे ही एलिमेंट्स के वैल्यूज हैं गार्बेज वैल्यूज। इन्हें वैल्यूज असाइन करने के लिए लिखना होगा एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू कोई वैल्यू इस तरह से। इस बात को यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि हम एक्स ऑफ 5 को कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स ऑफ 5 किसी एलिमेंट का नाम नहीं है। ये 5 जो हम लिखते हैं वो एरे वेरिएबल का साइज है। इंडेक्स पोजीशन काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और साइज -1 पे एंड होगा। इन एरे वेरिएबल्स को डिक्लेयर के साथ इनिशियल भी किया जा सकता है, जैसे कि इंट एक्स ऑफ 5 इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में हमने 5 वैल्यूज दिए हैं। ये वैल्यूज अगर हम ज्यादा लिखेंगे, मतलब अगर हम 5 से ज्यादा, मतलब 6 या 10 लिखते हैं, तो हमें एरर आएगा, टू मेनी इनिशियलाइजर्स। और अगर इन वैल्यूज को हम कम लिखेंगे, यानी कि 5 वेरिएबल्स के लिए अगर हम 3 ही वैल्यूज देंगे, तो बाकी के वैल्यूज होंगे 0। अब ये देखते हैं कि इन एरे एलिमेंट्स को एक्सेस किस तरह से इनपुट के लिए किया जा सकता है। सबसे पहले वेरिएबल एक्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ हमने 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, तो हमें 5 बार प्रिंटेफ और स्कैनएफ के 2 स्टेटमेंट लिखने होंगे। प्रिंटेफ स्टेटमेंट इंडिकेट करेगा कि हमें क्या इनपुट करना है, और जैसे कि हमें पता है स्कैनएफ से इनपुट होगा।
अब इन दो स्टेटमेंट्स को कॉपी करते हैं बाकी के एलिमेंट्स के लिए। लेकिन अगर ये प्रोसेस हम 100 वेरिएबल्स के लिए करें या एरे के 100 एलिमेंट्स के लिए करें तो लेंदी प्रोसेस होगा। और हम जो दो स्टेटमेंट यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ इंडेक्स पोजीशन का ही चेंज है और ये चेंज 0 और 4 के रेंज में है। रिपीटेड स्टेटमेंट्स को हम हमेशा लूप में लिखते हैं। ये लूप रेंज के लिए है इसलिए यूज करेंगे फॉर लूप, जिसका काउंटर पोजीशन 0 से स्टार्ट होगा और 4 पे खत्म। और इन इंडेक्स पोजीशन को हम रिप्लेस करेंगे वेरिएबल काउंटर से जो कि आई है।